हम किश्तवाड़ में लगातार पानी की प्रॉब्लम को लेकर बात कर रहे हैं आप देखिए ये विजुअल्स आईटीआई टी आई किश्तवाड़ के सामने के हैं और ये ड्रेन बनी हुई है और ड्रेन के अंदर जो है वो पानी की लीकेज है आप देख सकते हो किस तरह से कितना पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है और सिर्फ ज़ाया नहीं हो रहा है बाद में यही पानी जो है वो इन नालियों के ज़रिए लोगों के घरों में जाता है और लोग बीमार पड़े हैं और आज किश्तवाड़ में हैपीटाइटिस आउटब्रेक हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी जो बच्चे और लोग हैं वो बीमार हैं और आप देख सकते हो कि हॉस्पिटलों में काफ़ी रश है और उसकी वजह जो है यहाँ के पानी को लेकर बताया जा रहा है और आप देख रहे हो कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है कितना जो है वो ख़राब है और इसकी क्या खस्ता हालत है और आप देख रहे हो कि कितना पानी जो है वो यहाँ पर ज़ाया हो रहा है न सिर्फ पानी ज़ाया हो रहा है बल्कि ये जो पी की नाली जो है ये ड्रेन के बीचों बीच में है और आप इसमें गंद देख सकते हो इसमें आप देख सकते हो लेटरिन भी इसमें होती है सब कुछ इसमें होता है और इसकी वजह से जो जितनी भी गंद होती है वो सारी इन ड्रेन में और आप देख सकते हो जो सड़क के दोनों तरफ से ड्रेने हैं उनकी क्या खस्ता हालत है और ये जो पानी है उसके बीचों बीच जो है ड्रेन के बीच बीच जो है वो ये पाइप है पी एच ई की और अब आप देख रहे हो कि एक तो पानी ज़ाया हो रहा है और दूसरा जो ये ड्रेन का पानी है इसमें शक होता है पाइप में और फिर ये जाकर जो है वो फिर लोगों के घरों में जाता है जिसकी वजह से लोग बीमार हैं और अक्सर जो है वो हमें लोग शिकायतें करते हैं कि उनके घरों में जो है वो गंदा पानी आता है वो यही है और हम चाहेंगे कि डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन डी किश्तवाड़ जो है वो इसमें देखें ताकि जो लोग हैं उनको बीमार होने से बचाया जा सके और साथ में यहाँ पर जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसको भी जो है वो ठीक किया जा सके हालांकि यहाँ पर पानी की बताई जा रही है किल्लत नहीं है लेकिन जो सब वजह है वो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है आप ये विजुअल्स जो है वो देख रहे हैं हम आपको ये विजुअल्स आईटीआई के बाहर के दिखा रहे हैं जहाँ पर एक पाइप जो पी की है वो ड्रेन के बीचों बीच जो है वो लीक है लीक नहीं है बल्कि एक तरह से हम कहेंगे कि ये पूरी फटी हुई है और अब जैसे इसमें पानी बंद होगा तो जितना भी ड्रेन का पानी है वो सारा इसके ज़रिए जो है वो मेन पाइप में जाएगा और फिर जब कल फिर से ये रिस्टोर होगी सर्विस तो लोगों के घरों में जो है वो फिर गंदा पानी जो है वो जाएगा तो हम इस वीडियो के जरिए रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो एक पूरा जो है वो रिव्यूल है इस चीज़ का जो ड्रेनों में पाइपें हैं उनको जो है वो रिपेयर किया जाए और ये इन्श्योर किया जाए कि ये जो है लीकेज बंद हो जाए और जो लोगों के घरों में है वो आ, ये गंदा पानी जो है वो ना जाए आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया